हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? ये देखो, अभी मच्छर डाने लगी है क्योंकि अभी अभी डीठा उठी है। मैं दिखाती हूँ आपको। गुड मॉर्निंग कह रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितने बजे आपकी गुड मॉर्निंग हुई? बार पौने 12 हुए। कितने? बार अभी तक सो रही थी ये, अभी तक सो रही थी। देखो चलो सबको गुड मॉर्निंग बोल दे जल्दी से। कौन जय श्री कृष्ण। मामा डूडू पीना है? डूडू पीना है? चलिए तो अभी अभी उठी है, 12:15 बज चुके हैं। देखो ये देखो, आ गई गुड़िया, आ गई। नींद आ रही है, नींद आ रही है। आज किसका बर्थडे है? मम्मा कब खत्म हो गया? खत्म हो हो गया, पूरा हो गया। आज आज गया। नानी का बर्थडे है। किसका बर्थडे है? नानी का नानी का बर्थडे है। नानी का हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे नानी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे नानी। तो अभी अभी उसकी सुबह हुई है, 12:15 बजे। और ये देखो, ये सब समेटना है मुझे, तो फटाफट समेट लेते हैं। और उसके लिए दूध लेकर आती हूँ मैं। और उसके बाद आज जाना है वापस वहाँ पे, घर पे। कल हम गए थे वहाँ पे संगीत में, जब वहाँ गए थे वहीं पे ही जाना है आज। और जो रस्म होती है हल्दी की, चुनरी चढ़ाने की, वो सब आज होगी। तो आज मैं वहाँ जाने वाली हूँ, तो पहले ये सब समेट लेती हूँ। तीथा को दूध दे देती हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। तो उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद मैं चलूँगी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तीर्था के जो कपड़े थे जो कल उसने पहने थे संगीत में, तो वो मैं उसे फोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि फिर वहाँ पे ही पड़े रहते हैं। तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा टाइम है तो पहले ये कर लेते हैं, और उसके बाद सब कुछ भी दूसरा काम निपटा लेंगे। तो मैं फोल्ड कर रही थी, तो उसके साथ साथ तीर्था ने भी कहा, मम्मा मैं भी फोल्ड करूँगी। तो वो अपनी चुन्नी फोल्ड कर रही थी। उसे पसंद है, मैंने एक बार फोल्ड करके रख दिए थे, तो उसने फिर से निकाल के वो फिर से फोल्ड करने लगी थी। और फिर ये यहाँ पे देखो, वो मस्ती कर रही है। ये देखिए हो गई। और फिर ये देखिए, मैंने सारे काम निपटा के यहाँ पे टीठा को नहला दिया था, और उसके बाद उसे मैं तैयार करने के लिए यहाँ पे लाई थी। तो मैंने उसे ये आज गाउन पहनाया था, और आज उसके बाल भी धोए थे। तो बालों में भी उसकी जो सुलझाने होते हैं बाल उसके, तो फिर वो बहुत रोती है। पर आज मैंने उसे कहा कि मैं धीमे धीमे करूँगी, और आज बाहर भी जाना है तो आज तो बाल धोना ही पड़ेंगे, वरना वो बाल धोने में उसे बहुत रोना आता है। देखो उसे खींचता है ना, इसलिए। तो आज बाल धोए थे उसके, वो भी सूखे नहीं थे, तो मैंने खुले ही छोड़ दिए थे। वैसे भी हम खुले ही रखते हैं क्योंकि उसके छोटे छोटे बाल हैं। और वो देखो आईने में देख के वो मस्ती कर रही थी। और उसे को कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक, मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है उसे। तो आज हम शादी में जा रहे थे, शादी नहीं, वैसे आज हल्दी की और चुन्नी चढ़ाने की जो रस्म होती है वो थी। तो मैंने सोचा कि मैं लगा देती हूँ उसे। तो कुछ ऐसे ऐसे फंक्शन होते हैं तो मैं उसे इस तरह से कॉम्पैक्ट और मेकअप थोड़ा सा लगा देती हूँ, वरना मैं कोई मेकअप इसको नहीं लगाती। तो वो उसको लिपस्टिक भी बहुत पसंद है। ये देखिए, वो आराम से करवा लेती है सब कुछ। ये आपको दिखा रही है, ये मैं थोड़ा सा उसे आई से दो भी लगा रही थी आँख में, उसे पसंद है। और जब भी लगाओ बस एक ही बात कहती है, मामा पिंक लगाना, मामा पिंक लगाना। देखो
वो अभी भी यही कह रही थी, मम्मा पिंक लगाओ, मम्मा पिंक लगाओ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसे इस तरह से जो काजल होता है वो लगा दिया था, थोड़ा सा आँख से नीचे ही लगाया था, अंदर नहीं लगाया था। तो ये देखो उसकी चूड़ी थी, तो मैंने उसे दे दी थी कि ये लो तुम चूड़ी पहन लो। ओके, हमारी ठा हो गई है रेडी। अभी उसके बाल गीले हैं, आज उसके बाल धोए हैं मैंने, और अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। ये उसकी बंगड़ी चूड़ी पहननी है, दिखाओ अपनी चूड़िया, बैंगल्स दिखाओ तो आपने, ये देखो। चलो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो मैं रेडी हो गई थी और लेट हो चुका था, तो मैं रास्ते में ही वीडियो बना रही हूँ। और मैं अभी सीधा जल्दी से, मैं आधी ही तैयार हुई थी, आधी अभी बाकी था, पर मैंने सोचा कि चलो मम्मी के घर जाकर ही तैयार हो जाते हैं। तो हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। अभी कुछ कुछ रस्म है बाकी, वो होगी और उसके बाद हल्दी की रस्म होगी, तो हम चेंज करेंगे। तीर्था ने ऑलरेडी चेंज कर लिया है, देखो तीर्था ने आज ये वाला पहने। तो चलिए चलते हैं पहले। तो यहाँ पे हम हल्दी की रस्म हो चुकी थी, तो उसके बाद ये सब ने देखो हल्दी लगा दी थी, तो पूरा येलो येलो फेस हो गया था हमारा। और फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे घर, और तीर्था को भूख लगी थी, तो उसने बोला कि नानू मुझे डोसा खाना है, तो पापा उसके लिए ये मसाला डोसा है वो ले आए थे, पर उसके लिए प्लेन ले आए थे क्योंकि उसे पसंद था प्लेन, तो प्लेन ले आए थे और वो ये खा रही थी। और सारी रस्म अच्छे से पूरी हो गई, तो सबको बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम वापस आ रहे थे घर, और मैंने बाल भी बांध लिए थे क्योंकि बहुत हवा आ रही थी, तो पूरे बाल बिखर रहे थे, तो मैंने बांध लिए थे, और फिर जल्दी से हम निकल पड़े थे। तो हम आ गए हैं वापस घर, और ये देखो सारे गाल मेरे येलो येलो हो गए। तो अभी बहुत थक चुके हैं हम, और बस अब फ्रेश होके सो जाएंगे, है ना, क्योंकि कल जल्दी उठना है। तो चलिए इस व्लॉग का भी एंड यहीं पे कर देते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा अब कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बाय।